बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मोहम्मद यूसुफ़। टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम में आज का हमारा टॉपिक है अफेक्टिव क्वेश्चनिंग। व्हाट इज़ अफेक्टिव क्वेश्चनिंग? अफेक्टिव क्वेश्चनिंग इज़ द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज आवर थिंकिंग। एक मशहूर दानिश्वर की मदर कहती हैं कि मेरे बेटे की ज़िंदगी में जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, वो इस वजह से है कि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता था। एक अफेक्टिव टीचर बच्चों को इनकर्ज करता है टू आस्क क्वेश्चन एंड गिव आंसर्स। व्हाई वी आस्क क्वेश्चन, हम क्वेश्चन क्यों करते हैं? टू असेस द नॉलेज, टू गेन द नॉलेज, टू अवेल्यूएट टीचिंग। उस्ताद अपनी टीचिंग को अवेल्यूएट करने के लिए भी बच्चों से क्वेश्चन करता है। टू क्लैरिफाई आ पॉइंट, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, टू एक्टिवली इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को एक्टिवली इन्वॉल्व करने के लिए उस्ताद बच्चों से क्वेश्चन करता है और उनको क्लास में इंगेज करता है। तो आज हम बात करेंगे अफेक्टिव क्वेश्चन पर। उसकी टू टाइप्स हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन की। इसमें क्या होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस रिसीव अ सिंगल वर्ड। सिर्फ आप उसका एक ही वर्ड में आपने जवाब देना होता है और अ वेरी शॉर्ट फैक्चुअल आंसर, और एक फैक्चुअल आंसर यस की सूरत में, नो की सूरत में, या एनी अदर वर्ड आर एनी अदर फ्रेज। क्लोज क्वेश्चंस आर इजी टू आंसर, ये बहुत इजी होता है इसका जवाब देना, इसका जवाब देना बहुत आसान होता है। एज द चॉइस ऑफ आंसर इज लिमिटेड, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस स्टार्ट विद इज, एम, आर, मे, डज, have, can and other helping verbs. For example, are you feeling better today? तो इसका क्या reply होगा? Simply, you can reply yes or no. May I use your pen? May I use your chair? May I use your book? Now, your answer will be yes or no. Does 2 plus 2 equal 4? Yes or not? तो इसका जवाब आप क्या देंगे, या yes में दे सकते हैं या no में दे सकते हैं। Have you finished your homework? तो students क्या कहेंगे, yes or not. Is that your final answer? Yes or not. Can I help you? Yes or not or of course. Now we discuss on open-ended questions. Open-ended questions elicit longer answers, detailed answer,
उसके जो जवाब होता है उसका वो बड़ा होता है. ओपन एंडेड क्वेश्चंस आस्क द स्टूडेंट्स टू शेयर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, ओपिनियन और फीलिंग्स. ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स. ओपन एंडेड क्वेश्चंस बिगन विद व्हाट, व्हाई और हाउ. फॉर एग्जांपल, हाउ डिड यू सॉल्व द नंबर पैटर्न. डेफिनेटली आप इसका रिप्लाई, इसका आंसर जो है वो यस या नो में नहीं दे सकते. इन डिटेल आपको इसका जवाब देना होगा. व्हाट यू थिंक विल हैपन इन दिस एक्सपेरिमेंट. व्हाई आर द चिल्ड्रन ऑल अलोन इन दिस हिली प्लेस. तमाम बच्चे इस हिली प्लेस पर अकेले क्यों हैं? तो इसका जो रिप्लाई है, जो इसका जवाब है, वो आप यस या नो में नहीं दे सकते. आपको डिटेल्ड जवाब देना होगा. व्हाई इज वन ऑफ द चिल्ड्रन ट्राइंग टू होल्ड द अदर चाइल्ड. इसके बाद द आर्ट एंड साइंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग. सो ऑलवेज फोकस ऑन टीचिंग बाय आस्किंग इंस्टेड ऑफ बाय टेलिंग. होपफुली यू विल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. इस वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द कंट्री स्कूल पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें. खुदा हाफिज, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.